छठ पूजा करते हैं, इसलिए हम लोग उससे भी ज्यादा खुश इस बात के लिए है कि जिस छठ पूजा सूर्य देव की पूजा होती है उसे भी भगवान ने हमारे ही जिला में देव बनाने का काम किया, इसलिए हम लोग बहुत खुशनसीब जिला के हैं कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं। और छठ एक ऐसा पर्व है, अक्सर लोग सुनते होंगे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन छठ ऐसा पर्व है कि डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूरज को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। ये संदेश बिहार से ही सब जगह गया है और इस पवित्र पर्व को हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। आज उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, इसलिए हम यहाँ के निवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये सब परंपरा अब केवल गाँव में ही रह गई है, क्योंकि बहुत से गांव में तो आयोजन बंद हो गए हैं, नौटंकी और ये जो ड्रामा है ये सब प्रचलन बंद हो चुका है। लेकिन आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है, इतने सारे हमारे माताएं बहने हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं और नौटंकी का जो कार्यक्रम है आप लोग अभी तक कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहिए और अपने समाज को एक अलग पहचान देते रहिए। धन्यवाद। चलिए अब अगला बार उनकी वाणी को सुना जाए जिनका यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में चयन किया गया है। सुजीत कुमार सिंह मुखिया संघ जिलाध्यक्ष पंचायत खेराबीन, इनकी मुख्य वाणी से कुछ सुन लिया जाए। भाकन की पावन धरती पे आज यहाँ उपस्थित मंच के संचालन कर रहे भाई अमित गुप्ता जी, हमारे अभिभावक दिलीप पासवान जी, हमारे अभिभावक जगन जी, हमारे मित्र ऋषि के मुखिया प्रतिनिधि पुटू भाई जी, छोटे भाई चंदन भाई और यहाँ उपस्थित मंच पे अभिभावकगण, दर्शक दिग्गज बैठे अभिभावकगण, माताओं बहनों सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। यही हर्ष की बात है कि आज भी गांव की एकता अखंडता का परिचय आप लोगों ने देने का काम किया है, नहीं तो हम लोग की परंपरा जो है विलुप्त होते जा रही है। आज तो राजनीतिक मंच नहीं है, छठ पूजा के शुभ अवसर पे रंगारंग कार्यक्रम आप लोग करवाते हैं, लेकिन मंच के ही माध्यम से अपनी बातों को रखने का अवसर मिलता है। तो मैं एक बहुत बड़ा फैसला किया हूँ और आप लोग मालिक हैं, जनता ही मालिक है। दोबारा मैं मुखिया बना हूँ तो जनता मालिक है, जनता का मैं सेवक हूँ, सेवा किया तो दोबारा हमको चुन के भेजे। लोकसभा चुनाव जो है बहुत बड़ी चुनाव है, एक छह विधानसभा का चुनाव है, मुखिया का चुनाव तो है नहीं, निर्णय बहुत बड़ा है लेकिन उसके पीछे कारण है उसको जरा गौर से समझिएगा। हम मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सारा अधिकार छीन लिया गया, तो अधिकार छीन लिया गया, हम लोग मुखिया हैं, जनता का कोई कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए ये निर्णय लिए कि ऐसी तानाशाह सरकार को जो नीतीश कुमार हिटर शाही में जनता का कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो अब ईमानदारी से बताएं। यहाँ पे हम समझते हैं कि उपस्थित जो भी है 90% तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। आप बताइएगा राशन का सभी का है, राशन का सभी का है, सभी का है राशन का, ज्यादातर लोग नहीं है, गली नली की क्या स्थिति आपसे छुपा हुआ नहीं है, सबको यह बुद्धि खड़ा है। सरकार की नीति ऐसी है कि आपस में मुखिया वक्त झगड़ा करवाने का काम कर रही है और इसी संकल्प के साथ कि जब जनता का सेवा करने निकले हैं
तो आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। लोकसभा का जो चुनाव है दो विचारधारा की है, एक एनडीए की है और राष्ट्र की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे और महागठबंधन जो बना है और जाति की बात करेंगे, अगला पिछड़ा की बात करेंगे, आपस में लड़वा करके गद्दी पर राज भोगेंगे, जनता अपना त्राही त्राही करते रहे। तो ये आपको निर्णय करना है कि एक आपके लिए आपके अधिकार के लिए मैदान में मैं उतरा हूँ तो आपके हाथ में है। आप अगर निर्णय कर लेंगे, घोषणा तो मैं 20 दिन पहले कर चुका हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं अभी बोलता हूँ, मैं अपने मोबाइल से लाइव भी चला रहा हूँ। आज अगर आप लोग साथ देने का वचन देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं वचन देंगे तो आज मैं घोषणा करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए, फिर जात पात से ऊपर उठ करके जो वचन दीजिएगा उसको निभाइएगा, हर चीज की चिंता मत कीजिएगा। अभी की जो वर्तमान स्थिति जो है, एक आम गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा एमएलए नहीं बन सकता है, एमपी नहीं बन सकता है, इसलिए कि जिसके पास धन है वही टिकट लेगा, वही एमपी बनेगा, वही विधायक बनेगा। वो गरीब को दर्द को क्या समझता है, नहीं समझेगा कभी नहीं। वो आपके लिए लाठी और गोली खाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पंचायत में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लगभग सभी जाति धर्म के लोग। अगर मैं भेदभाव करता हूँ तो मुझे आप सपोर्ट ना करें, आप मेरे बारे में पता कर ले। आपके जिला का है, प्रखंड की है, सदर प्रखंड है, मेरे बारे में पता कर लीजिए। और आपके अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, और इस बात को लेकर के मैं चुनाव मैदान में उतरने जा रहा हूँ, तो आप लोग मेरा साथ देंगे, संकल्प है। माकन की धरती से फिर पीछे मत हटिएगा, जो लोग साथ देंगे जात पात धर्म से ऊपर उठ करके वो कृपया हाथ उठाए। चचा रहुआ साथ दे भाई, तो मैं चुनाव लड़ू इस बागन की धरती से, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, सभी जाति धर्म के लोग सपोर्ट मेरा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी एक बात नोट कर लीजिए, अगर आप मुझे चुनाव जिताने का कार्य करते हैं तो मैं इस बागन की पावन धरती से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जिला का नाम रोशन करूंगा, गरीब के हक अधिकार, मुखिया वार्ड जो भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनका हक अधिकार के लिए अगर जेल जाने की नौबत आई, जान लगाने की बाजी आई, तो आपका ये बेटा आपका ये भाई कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, जान की परवाह नहीं करेगा। मेरा संकल्प है कि जन प्रतिनिधि का हक अधिकार और जनता जो हमारे गरीब कमजोर दबे कुचले उनका हक अधिकार के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। मैं धन कमाने के उद्देश्य से नहीं उतरा हूँ, मुझे सत्ता का सुख नहीं भोगना है, मैं आपके हक अधिकार की लड़ाई के थाना हूँ। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, जब भी बागन आता हूँ यहाँ के अभिभावक का प्यार आशीर्वाद मिलता है, नौजवान साथियों का सहयोग मिलता है, बल मिलता है। तो आज बिगुल फूक चुका हूँ और आप लोग जो वचन दिए हैं उस वचन को निभाइएगा, हार जीत की चिंता मत कीजिएगा, ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कदम बढ़ गया है तो पीछे नहीं मुड़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी पानी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत बढ़िया, हेलो
बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत भैया, आपके मुख से जो वचन निकला है वो आप भी पूरा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे गांव समाज के जितने भी आए हुए हैं सभी से वचन को पूरा करें और सुजीत भैया का लाभ भरपूर ले। सुजीत भैया जिंदाबाद, सुजीत भैया जिंदाबाद, 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 सुजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, मंच का उद्घाटन का कार्य संपन्न हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।